नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। और हम बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला अभ्यर्थियों के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरना आज से प्रारंभ कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा PNST 2022 केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो आप सभी को हम बता दें कि ये फॉर्म भरना आज से प्रारंभ कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि ये फॉर्म सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है, और दूसरा इस फॉर्म को सिर्फ मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी ही भर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये फॉर्म सिर्फ मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए बस है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाके प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म भरना है। हमने आपको पहले भी बताया है कि PEB के प्रोफाइल के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म होना अनिवार्य है। तो आप इस यहाँ से जाके प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म बनाएंगे। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद आपको इस साइट पे बैक हो जाना है। फिर से आपको ये साइट खोलना है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास PEB प्रोफाइल होना अनिवार्य है। हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कि PEB की प्रोफाइल आपको कैसे बनाना है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको बार बार वो चीज़ नहीं बताएंगे। इसके बाद सीधे आपको यहाँ आवेदन पत्र में जाके अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो इस पर क्लिक करना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको PDF दे देंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपको इस बाजू वाली लिंक पर क्लिक करना है, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको घोषणा पत्र पर टिक करना है, तो हम घोषणा पत्र पर टिक कर देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको प्रोफाइल की ID डालना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको एक प्रोफाइल पंजीकरण संख्या मिल जाएगी, तो उसको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो चलिए हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इसके बाद हम अपना कैप्चा डाल के और सत्यापित कर आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। जैसे ये पेज ओपन होगा तो आप देख सकते हैं सामने पूरी डिटेल खुली है। जी आप देख सकते हैं इस फॉर्म में आपको डिटेल चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और है और फॉर्म में आप की जन्म तिथि आप 10वीं के अनुसार करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। ये आपको एडिट का ऑप्शन दे रहा है। फिर भी कोशिश करिएगा कि डिटेल आपकी आधार कार्ड के अनुसार ही रहे, आपकी जो जन्म तिथि रहे वो आधार कार्ड के अनुसार ही रहे। आप कोशिश करिएगा कि आपका आधार कार्ड और आपकी डिटेल सब एक जैसी हो। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपसे बोल रहा है कि आप 10वीं के अनुसार अपना नाम डालिए, तो हम 10वीं के अनुसार अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद हम जन्मतिथि डाल देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ऊपर ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत हो तो उसे हटाकर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस नाम का उल्लेख आप आवेदन में कर रहे हैं उसका ID प्रूफ परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आपके आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम में कुछ अंतर है तो आप चेंज करके 10वीं की मार्कशीट के अनुसार उसको भरेंगे। हमारी मार्कशीट और उसमें नाम सब कुछ सही है, इसलिए हम इसको हाँ करके आगे बढ़ाने पर क्लिक कर देंगे। जन्म तिथि आपकी आधार कार्ड और मार्कशीट में एक जैसी ही होना चाहिए। इसके बाद आपका जो वर्ग है आपको वो सिलेक्ट करना है, तो हमारा बिना वर्ग है। इसके बाद आपका 32वां ऑप्शन है, तो उसको आप पढ़ के हाँ या नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद यदि आप आशा कार्यकर्ता हैं तो आप हाँ करिए, अन्यथा नहीं कर दीजिए। यदि आपके विरुद्ध मामला विचारित है तो उसको हाँ, अन्यथा नहीं, तो हम ये सभी ऑप्शन नहीं करेंगे। साथ ही साथ यदि आप 12वीं भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान अंग्रेजी विषय को लेकर 45% अंकों से उत्तीर्ण हैं, यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान या अंग्रेजी विषय से, तो आपको इसको हाँ करना है। और यदि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो आप इसको नहीं करके, और नीचे वाला ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक हाँ हो जाएगा, ये अध्ययनरत वालों के लिए। वहीं अगर आप पास हैं तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है, तो नीचे अपने आप ऑप्शन ये वाला नहीं हो जाएगा, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। अध्ययनरत वाले अभ्यर्थियों के लिए नीचे वाले ऑप्शन को हाँ करना है। वहीं यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन को हाँ करना है। हम 12वीं पास कर चुके हैं इसलिए हम ऊपर वाले ऑप्शन को हाँ करेंगे। इसके बाद हम 4 एग्जाम सेंटर डाल देंगे मध्य प्रदेश के, जहाँ हम पेपर देने जा सकते हैं। तो चलिए हम वो 4 एग्जाम सेंटर डाल देते हैं, और इसके बाद हम घोषणा पत्र में क्लिक करने के बाद आगे बढ़ाने पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे, जी देख सकते हैं ये फॉर्म 30 साल से कम वालों के लिए है, तो आप ध्यान रखिएगा आपकी एज 30 साल से कम होना चाहिए। हम इन जिसका फॉर्म भरे थे इनकी 33 इयर्स थी, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म 30 साल से कम वालों के लिए है। जैसे ही आप आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। पेमेंट करने से पूर्व आप उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप पेमेंट करने जाएंगे और किसी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो आपको फॉर्म पूरा नए सिरे से भरना पड़ेगा। फॉर्म आप देख सकते हैं 30 साल से कम महिला अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद फिर आपको ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, इसीलिए इनको 30 साल से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने में अगर आपको समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो हमारे द्वारा भी आपका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप PNST का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।